गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का तो मज़ा ले ही रहे होंगे। बारह तुम लोग आते थे ना, स्कूल में छुट्टी नहीं होती, स्कूल में छुट्टी नहीं होती, लोग छुट्टी हुए अच्छे से। तो इस छुट्टी का फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए। आप लोग को पढ़ाई के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो पिछली क्लास में लेक्चर 8 पढ़े थे हम लाइट चैप्टर में, जिसमें कि कर्व मिरर के सारे टर्म्स को हम लोग समझ लिए थे, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले पिछला लेक्चर देखेंगे, तब अगला लेक्चर देखेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नया नया वीडियो मिले तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आज हम लेक्चर 9 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बोथ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं, और इसको हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पहले लेक्चर देख लीजिए, नोट करने की कोई परेशानी नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं, हम बार बार हर वीडियो में ये बात बताते हैं आपको। पिछले लेक्चर हम सी और एफ ये सबको आपको डिफाइन कर दिए थे कि क्या होता है। बोले थे कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जिधर होता है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है, इसके अपोजिट साइड में कोटेड पार्ट होता है, ये कोटेड पार्ट है हमारा, ठीक है। तो अब ऑब्टेनिंग इमेज में सबसे पहले हम क्या देखिए, अब लाइट रे की बात करते हैं, तो ये मिरर है, तो लाइट रे तो ढेर सारा आएगा, हर तरफ से आ सकता है, लाइट रे दूर से भी आ सकता है, लाइट नजदीक से भी आ सकता है, ठीक है। तो कैसे भी आएगा, तो एक लाइट रे कम से कम एक से दो, कम से कम दो इमेज आपको, दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, ठीक है, दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो अभी पढ़ने वाले रूल्स पढ़ने वाले, आखिर हम इमेज फॉर्मेशन का कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर हम लाइट रे को पैरेलल ले जाते हैं, हो सकता है लाइट रे पैरेलल भी आ सकता है, अगर लाइट रे को हम पैरेलल ही ले जाते हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके हम अगर पैरेलल लाते हैं तो क्या होता है, तो इसके अगर हम पैरेलल लाते हैं तो ये यहाँ से क्या होगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आ रहा, यहाँ पे ऐसी इंसिडेंट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर लाइट रे पैरेलल आता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जाता है, ये फोकस से जाता है, ये कहाँ से जाता है, ये फोकस से जाता है, ठीक है। अब यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, कैसे, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करेगा, तो नॉर्मल खींचेंगे, और हम पढ़ाए हैं लेक्चर 7 या 6 में हम पढ़ाए हैं कि कर्व मिरर में या फिर स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर में जो सी जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस पे खींचा गया लाइन जो होता है, यही क्या होता है हमारा, नॉर्मल होता है, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है हमारा ये नॉर्मल है, ये जो लाइन है हमारा ये जो लाइन है हमारा नॉर्मल है, ठीक है, देख रहे हैं। सी से हम स्फीयर के सरफेस से मिला दिए, ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा आई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा आर हो गया, और आपको पता है कि एंगल आई क्या है, किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, सब में वही होता है, ठीक है। तो आई किसके बराबर हो गया हमारा, आर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आई आर के बराबर हो गया हमारा, इसी कारण है कि जो पैरेलल लाइट रे जो आता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होते हुए जाता है, क्योंकि वो अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो सी से जो खींचा गया सरफेस है वो क्या हमारा है, नॉर्मल है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, समझते चलिएगा, ये फिगर 1 हो गया। तो जब भी हम इमेज बनाएंगे तो एक जो भी लाइट रे को पैरेलल लाएंगे प्लेन मिरर में, उसको हमेशा रिफ्लेक्ट करने के बाद आंख मुंड के फोकस से ले जाना है, दम बिल्कुल इसमें भूलना नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए, ध्यान रहे आपको ये चीज कि जो पैरेलल लाइट रे आएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा, ये सी है और ये एफ है। अब इसमें क्या करते हैं हम सेकेंड फेज में, कि लाइट रे तो बहुत तरीके से आ सकता है, एक तो पैरेलल ले गए, दूसरा को हम फोकस से ही ले जाते हैं, दूसरे लाइट को कैसे ले जाते हैं हम फोकस से, हो सकता है लाइट रे तिरछा आ रहा हो, तो तिरछा आ रहा है तो फोकस से जाए, वो क्या हंसते हैं फोकस से जाए, फोकस से जाएगा तो ऐसे टकराएगा, ठीक है, ये लाइट रे का डायरेक्शन है। अब ये फोकस से जाएगा तो ऐसे टकराएगा, तो ये निकलेगा कैसे,
तो ये पैरेलल होते हुए निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये पैरेलल होते किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकलेगा। इस तरह से ये इस तरह से निकलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा? ये फॉलो करेगा। देख लीजिए, ये नॉर्मल बना दिए, ये आई हो गया और ये क्या हो गया? आर। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाएगा। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये वाला लाइन जो है ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फिगर देखिए। तो ध्यान में आ गया, अगर हम लाइट रे को फोकस से ले जाते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगा? तो वो जाएगा आपका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगा अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है। अब थर्ड में हम कहां से ले जा रहे हैं इसको? थर्ड में हम ले आते हैं सी से। ठीक है, एक तो पैरेलल ले गए, एक एफ से ले गए, एक को सी से ले आते हैं। तो सी से ले आते हैं इस तरह से, सी से ले गए। अब बताइए सी से जाएगा तो क्या होगा? तो आपको पता है ना कि सी से मिरर के सरफेस पे खींचा गया लाइन जो होता है वो होता है नॉर्मल। और हम पहले ही पढ़ाए आपको प्लेन मिरर में कि नॉर्मल जो लाइट आता है वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आर के। आई बराबर एंगल आर, और आई जीरो है तो आर भी क्या होगा हमारा? जीरो। और ये लाइन खुद नॉर्मल है तो इसी पाथ पे क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल लाइन है, ये हमारा क्या ना नॉर्मल लाइन, इसीलिए उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, ठीक है, ये पोल है आपका, ये एफ है और ये सी है। अगर हम डायरेक्ट पोल पे ही गिरा दें, अगर लाइट रे को डायरेक्ट हम कहाँ गिरा दें? पोल पे ही गिरा दें, ये इस तरह से, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। हो गया कि नहीं इंसिडेंट रे? अब ये जाएगा कैसे? तो जितना एंगल पे आया है उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आई है तो ये क्या है? आर है। तो एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। क्योंकि ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है सी से जा रहा है सरफेस पे मीट कर रहा है। अभी फिर बताएं कि सी से मिरर के सरफेस पे कहीं भी मिलने वाला लाइन नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल से आई और आर क्या होता है हमारा? बराबर होता है। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा, ये चारों रूल्स जो है आपको ध्यान रखना है, इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये कॉनकेव मिरर में यही चारों का आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल ले जाना है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल निकलेगा, सी से जाएगा तो सी से ही रिटर्न हो जाएगा, अगर पोल पे जाएगा तो पोल से ही उतना ही जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर ये रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा और कॉपी पे खुद से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, आप इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कन्वेक्स मिरर का रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। यहाँ पे है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ फिर से देखते हैं वन नंबर से। अब देखिए इसमें इंटरनल पार्ट कोटिंग है, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट में होता है एफ और होता है हमारा सी, क्योंकि इसका ये है सर्कुलर पार्ट। अब इसमें भी वैसे ही लाएंगे, फर्स्ट में हम लाएंगे पैरेलली ले जाएंगे, तो पैरेलली ले जाएंगे तो ये जो है आपका पैरेलली ले जाएंगे तो इसी से आपका रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ये जो है आपका ऐसे रिटर्न हो जाएगा। कहाँ से रिटर्न होगा? अपने फोकस के हिसाब से रिटर्न होगा। ठीक है, ये कैसे रिटर्न होगा? फोकस से, क्योंकि ये आएगा यहाँ पर, इसका फेस ही ऐसा है, टकराएगा, डाइवर्ज होकर निकल जाएगा। डाइवर्ज किस बेस पे निकलेगा? तब फोकस पे निकलेगा। तो यहाँ भी ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा? फॉलो करेगा इस तरह से। यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर हम इस तरह से खींच देते हैं, डॉटेड लाइन से खींचिए क्योंकि हमको नॉर्मल दिखाना है, इस तरह से अगर हम खींच दें तो ये इस तरह से यहाँ से ये जाएगा। अब देख लीजिए, ये हो गया आई हमारा, ये हो गया आर हमारा। और आपको पता है कि इधर वाला जो होता है ये वर्चुअल होता है, फोकस और
सी। तो बस ध्यान अच्छे देख लीजिए, पैरेलल लाइट रे लाएंगे तो डाइवर्ट होकर निकल जाएगा, इस साइड इमेज नहीं जाएगा, इस साइड इमेज रे नहीं जाएगा, इसको हम पीछे करके दिखाएंगे एफ से जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ट किसके हिसाब से होगा, तो अपने फोकस के हिसाब से डाइवर्ट होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड देखिए, हम एक एक स्टेप अच्छे से बना रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है बस, इसमें है नहीं कुछ। एक और सी, क्लास टेंथ के बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हम उसमें लाए थे, नेक्स्ट में हम लाए थे कहाँ, फोकस नहीं ले रहे थे, तो फोकस ही ना हमारा, तो फोकस ये हमारा इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से पहले डॉटेड कर लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और इस लाइन पे आप रे को इंसिडेंट करा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए डायरेक्ट हम कहाँ से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, डायरेक्ट फोकस के हिसाब से, जिस तरह फोकस उस तरह फोकस पे इंसिडेंट करा रहा है। अब यहाँ पे ये आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे जाएगा ये, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के तरह से निकलेगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, तो इस तरह से निकल जाएगा ये, ठीक है, ये डाइवर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गया, ठीक है। अब यहाँ भी आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से आप, देखिए यहाँ पे भी आर बन रहा है और यहाँ पे आर बन रहा है, आई बराबर एंगल आर, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होगा। अब देखिए ये डॉटेड लाइन कहाँ से ले गए, सीधे सी से ले गए, आपको पता है सी से सरफेस पे डाला गया लाइन क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है, ये हो गया आपका सेकेंड। तो ध्यान रहे जब ए पे आएगा तो वो पैरेलल होते हुए निकलेगा। थर्ड इमेज, थर्ड हम लोग देखेंगे, एफ और सी, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए कैसे करता है। अब थर्ड में हम उसमें कहाँ से लाए थे, नॉर्मल पे डायरेक्ट गिरा थे, तो यहाँ पर आप एक डॉटेड लाइन कर लीजिए, इससे आपको सुविधा होगी, ठीक है, और उसी पर आप इस तरह से रे गिरा लीजिए। अब हम कहाँ गिरा रहे हैं, नॉर्मल पे डायरेक्ट गिरा रहे हैं, तो हम पहले बताएं कि नॉर्मल पे जब हम इंसिडेंट करेंगे, नॉर्मल पे जब हम इंसिडेंट करेंगे तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके, क्योंकि नॉर्मल पे जा रहा है, नॉर्मल के ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एंगल आई केवल एंगल आर का होता है, एंगल आई जीरो होगा, इसलिए एंगल आर भी क्या होगा हमारा जीरो होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। फोर्थ में अब देखिए हम पोल पे डायरेक्ट गिरा रहे हैं इस तरह से, ये कैसे हो जाएगा उसी हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ये डाइवर्ट जा रहा है, क्योंकि ये अब सी से ये लाइन जो हो गया इसके लिए क्या कर रहे हो गया, इस इंसिडेंट और इस रिफ्लेक्टर के लिए सी से जो लाइन आया है सेंटर कर्वेचर से पोल होते हुए जो लाइन गया है ये सब आपका आई है, सब क्या है आपका ये आई है और ये क्या है आर, तो यहाँ भी एंगल आई बराबर किसके होगा एंगल आर के बराबर होगा, इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर में इस तरह से रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इसका यूज करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन में। सब आपका पी है, यहाँ पर लिख लीजिए, सब आपका पी है, ये भी आपका पी है, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से, और इसको हम आप डिस्कस कर लीजिए कॉपी में, इसको अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, खुद से ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ करने से आपको इसका फॉर्मेशन करने आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही पेंट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है, इमेज बनाने का आपको सिखाएंगे दोनों मिरर में। तो इसी तरह क्लास हम एंड करते हैं आज का, थैंक यू।